Hello friends, this is Sachin Dodi from B.Educare and I am back with your daily dose of current affairs. Today we will study the five important news of 7th February 2021. So let's get started. So here we go. First news, Uttarakhand Chamoli glacier burst, massive damage due to floods. Bahut hi dukhad ghatna. All our prayers with the state of Uttarakhand and its people. At least 170 people have been reported missing after a glacier broke off near Raini village in Tapovan area of Chamoli district in the Garhwa Himalayas on Sunday morning. So, रविवार की सुबह ये glacier जो है ये इस फट गया और पूरा बाढ़ वहाँ पे पूरा flood situation हो चुका था उत्तराखंड में. एंड आप लोगों ने सब लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा, ये जो है ये रायनी विलेज जो है तपोवन एरिया जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो गढ़वाल हिमालयस में पड़ता है उत्तराखंड के, वहां पे हुआ. एंड दिस ट्रिगर्ड मैसिव डैमेज इन इट्स वेक दैट वाज रेमिनिसेंट ऑफ द 2013 केदारनाथ ट्रेजेडी. 2013 में जो बाढ़ आई थी उत्तराखंड में उसको हमें याद दिलाता है ये. शाम तक 7 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हुई, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि आखिर इस जो ग्लेशियर बर्स्ट है इसमें कितनी मौत हुई है. एक 13.2 एमडब्ल्यू ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि जाशीमठ के यहाँ पे है, वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है. दूसरा 520 एमडब्ल्यू एनटीपीसी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि धौलीगंगा नदी जो है रायनी के वहां पे, वो पार्शली डैमेज हुआ है और कम से कम 5 ब्रिज टूट चुके हैं ये पानी के जो बहाव है उसकी वजह से. एंड जो विलेजेस है उसके आजू बाजू वहां के लोग बहुत ज्यादा इससे इम्पैक्ट है. सो दिस वाज द बिगेस्ट न्यूज ऑफ 7th February 2021, बहुत दुखद घटना. दूसरी न्यूज भी उत्तराखंड की तरफ से ही, लेकिन वो जो थी वो सैड न्यूज थी. दिस इज अ लिटिल ब्राइटर न्यूज फ्रॉम द सेम स्टेट. So, Union Environment Ministry approves the Lakhwar Electricity Project. ये जो Lakhwar Electricity Project है, ये यमुना नदी जो है, उसके तट पर है. ये खबर जो है, ये इन्फॉर्म की एक प्रेस रिलीव जो कि CMO के ऑफिस से, चीफ मिनिस्टर जो है उत्तराखंड के उनके ऑफिस से ये खबर आई. ये जो प्रोजेक्ट है इससे ना केवल बिजली उत्पादन होगी, ना केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, लेकिन 6 राज्य उत्तराखंड और उसके आजू बाजू जो राज्य हैं, उससे जो सटकर लगे हुए जो राज्य हैं, उनको पानी मिलेगा इरिगेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए और पीने के लिए. इट्स कंस्ट्रक्शन विल प्रोवाइड 330 मेट्रिक क्यूसेक मीटर्स ऑफ एडिशनल वाटर. इस प्रोजेक्ट की वजह से उत्तराखंड को 572.54 मिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हर साल. With this, the availability of water in the Yamuna will also increase. इस जो लखवर पावर प्रोजेक्ट है, इसका टोटल कॉस्ट है 5,747.17 करोड़ रुपीस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट 90% 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है वो इसमें अपना योगदान डालेगी और जो बाकी के 10% है वो इक्वली शेयर करेंगे राज्य सरकार, जो 6 राज्य जो इससे लुभावनित होने वाले हैं, जो इनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, वो 6 स्टेट जो है वो 10% इक्वली अपने में डिवाइड करेगी. नेक्स्ट न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टू लॉन्च MCA 21 वर्जन 3. दिस इज द फर्स्ट मिशन ई गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो जो MCA जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इट इज ऑल सेट टू लॉन्च द न्यू पोर्टल जिसका नाम है MCA 21 वर्जन 3. MCA 21 क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की आप वेबसाइट पर अगर जाओगे www.moi.gov.in, तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारे फॉर्म्स है और बहुत सारी फाइलिंग्स है जो कि एक कॉर्पोरेट को, एक कंपनी को करनी पड़ती है. ये इस जिसके अंदर ये फाइलिंग करते हैं उसको बोलते हैं MCA पोर्टल. उस पोर्टल का ये विकसित वर्जन है. पहले MCA जब पहली बार आया था तो एक वर्जन था, उसके बाद 2.0 आया, अब ये 3.0 आ रहा है. ये 2021-22 फिस्कल ईयर जो है उसमें ये लॉन्च हो जाएगा.
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट मिशन मोड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, जो सब आप देख रहे हो कि ई गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है आजकल, बहुत सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन हो रही है, पूरी गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो वेबसाइट्स के थ्रू अब रन हो रही है. MCA21 पोर्टल जो है इट इज यूज्ड बाय द कंपनीज फॉर सबमिटिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स एज पार्ट ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स अंडर द कंपनी लॉ. जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके तहत जो जो फाइलिंग्स रिक्वायरमेंट्स है जो अपने हमें गवर्नमेंट को करनी है, जो मिनिस्ट्री को करनी है, वो इस पोर्टल के थ्रू होती है. एनुअल रिटर्न की फाइलिंग, डायरेक्टर्स अगर कंपनी में चेंज हो गए तो उसकी फाइलिंग, शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज करना तो उसकी फाइलिंग, ऑडिटर आपने अपॉइंट किया तो उसकी फाइलिंग, एक्सेट्रा. तो जो कंपनी सेक्रेटरीज है, मैं भी एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, वो इस MCA पोर्टल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं. जो CS होते हैं दे वर्क डे इन एंड डे आउट ऑन दिस MCA पोर्टल. This version 3 of MCA is driven by data analytics and the portal will be equipped with microservices architecture for advanced analytics and emerging digital technologies like artificial intelligence and machine language. तो जो AI और ML वगैरह है वो इसमें बहुत ज्यादा focused है. तो ये बहुत ही advanced किस्म का portal होने वाला है. इसमें तकनीक जो है, जो technology है, वो बहुत ही उच्च किस्म की इस्तेमाल होने वाली है. नेक्स्ट बिग न्यूज, प्रहलाद सिंह पटेल प्रिसाइड्स ओवर द 8th एशियन इंडिया टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग. तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म है मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, ही को चेयर्ड द 8th एशियन इंडिया टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग विद द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ऑफ कम्बोडिया. जो कम्बोडिया के मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है HE डॉक्टर थोंग कोंग, इनके साथ इन्होंने ये मीटिंग को चेयर की, यानी कि दो चेयरमैन थे इस मीटिंग में, एक हमारे इंडिया के तरफ से प्रहलाद सिंह पटेल जी और एक कंबोडिया के मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म. इन्होंने ये कोचेयर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया, क्योंकि आजकल पैंडेमिक में फिजिकल मीटिंग्स नहीं हो रही है, सब कुछ वर्चुअल हो रहा है. तो ये मीटिंग भी वर्चुअल हुई, ये जो मीटिंग थी, ये जो समिट था, वो भी वर्चुअल हुआ. द मीटिंग वॉज इन लाइन विद द 24th मीटिंग ऑफ एशियन टूरिज्म मिनिस्टर्स. इस मीटिंग का मेन मुद्दा क्या था, इसमें सब देशों के जो एशियन नेशंस है उनके जो टूरिज्म मिनिस्टर्स है उन्होंने ये मीटिंग अटेंड की है. और पूरा जो है कि ग्लोबल टूरिज्म जो कि पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया है, इसे कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर कैसे काम किया जाए, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा चर्चा थी. द मिनिस्टर्स एक्सप्रेस देयर सिंपैथी फॉर द लाइव्स लॉस ऑफ लाइव्स एंड लाइवलीहुड फॉर पीपल इन द रीजन बिकॉज ऑफ द COVID-19 ग्लोबल पैंडेमिक. जो एशियन रीजन है उसमें लोगों ने जिनकी जाने चली गई और जिनका कारोबार ठप हो गया, उनके लिए इन्होंने बहुत ही खेद जताया. द मिनिस्टर्स रिइटरेटेड द नीड फॉर कोऑपरेटिव एफर्ट्स इन मिटिगेटिंग द इंपैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन द टूरिज्म सेक्टर. तो उन्होंने वापस से ये दोहराया कि हम सब देशों को मिलजुल करके ये पैंडेमिक से लड़ना है और मिलजुल करके टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको वापस डेवलप करना है, उसको टूरिज्म जो है उसको वापस उभारना है. प्रहलाद सिंह पटेल जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से COVID-19 पैंडेमिक को उन्होंने उनके एफर्ट्स के द्वारा जिस तरीके से कंट्रोल में लाया गया और जिस तरीके से मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट दूसरे देशों को हमारे प्रधानमंत्री जी के डिसीजन द्वारा पहुंचाया गया, उसकी उन्होंने बहुत सराहना की. उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया, बिकॉज ये एशियन कंट्रीज का मीटिंग था, तो उन्होंने बोला इंडिया इज वेरी क्रिटिकल फ्रॉम बुद्धिस्ट टूरिज्म पर्सपेक्टिव. जो जैसे आपको पता है गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इंडिया में है. गौतम बुद्ध को निर्वाणा जहां प्राप्त हुआ था उसे बौद्ध गया आज भी बिहार में है, और बाकी भी बहुत सारे ऐसे स्थान जो गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, जो भगवान तथागत के लाइफ से रिलेटेड है, वो इंडिया में है. तो इंडिया में बुद्धिस्ट टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है. उन्होंने ये करा और उन्होंने ये भी दर्शाया कि मेडिकल टूरिज्म के लिए किस तरीके से इंडिया इज अ वेरी गुड एशियन कंट्री. तो ये पूरा का पूरा जो मीटिंग है उसमें मेन तौर पर ये सब डिस्कस हुआ. लास्ट न्यूज ऑफ 7 February 2021, फार्मर्स चक्का जाम गोज ऑफ पीसफुली. तो हमारे जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. 3 फार्म बिल्स आए हैं जिसके ऊपर उन्हें कुछ खेद है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ये फार्म बिल्स मैंने भी पढ़े हैं, इसमें काफी कुछ अच्छा भी है, कुछ उसमें कमियां भी हैं.
अच्छा ये है कि इससे जो मिडल मैन है, जो बीच के लोग होते हैं, जो बिचौले बोलते हैं, उनको इससे हटा दिया जा रहा है। तो जो जो सरकारी मंडियां होती है उसमें जो अपना उपज बेचते हैं किसान, वो डायरेक्टली अब मंडियों में जाकर के बेच सकते हैं। खुद बीच के जो मिडल मैन है, जो सरकारी मिडल मैन होते थे, उनकी अब जरूरत नहीं है। लेकिन फार्मर्स को एक तो है कि जो मिडल मैन है वो भी इस प्रोटेस्ट में आ चुके हैं, तो ऐसे जो मिडल मैन थे वो भी फार्मर का रूप धर के ये प्रोटेस्ट में है, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन फार्मर्स, जेन्युइन फार्मर्स के भी कुछ कंसर्न है। एक कंसर्न उन फार्मर्स का ये है कि अगर आप कह रहे हो कि मिडलमैन उसमें से हट जाएगा, तो हम तो किसान हैं, हम तो ये सब देखते नहीं है कि हमारा जो उपज है उसे किस तरीके से बेचा जाए। ये सब चीजें जो है ये हमें सिर्फ खेती बाड़ी आती है, हमें व्यापार नहीं आता है। तो हम अपनी उपज बेचने के लिए कहाँ भटकेंगे, ये हमसे नहीं होगा। एक तो उनका वो कहना था, दूसरा ये बोला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी और दूसरे कई लोगों द्वारा भी, बहुत से स्पोक्स पर्सन द्वारा, कि जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो नहीं हटेगी। सरकारी मंडियों में MSP पे ही खरीदा जाएगा आपकी जो उपज है वो। लेकिन ये बोला तो गया है, लिखित में कहीं नहीं, इन ऑल द 3 बिल्स इट इज नोवेयर रिटन दैट MSP विल नॉट बी रिवोक्ड। एक खाली अगर लाइन ये ऐड कर दी जाए फार्म बिल्स में कि provided that, एक प्रोवाइजो अगर ऐड कर दे इसमें कि provided that any produce shall not be purchased by the agency below minimum support price, अगर ये एक लाइन कोई भी बिल में ऐड कर दिया जाए, मुझे लगता है 99% चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ये सब बोला गया है लेकिन ये इसमें लिखा नहीं गया है, ये एक इशू है। दूसरा, फार्मर्स को ये लगता है कि अगर MSP हट गई तो ये जो दूसरे व्यापारी है, बिजनेसमैन है, ये लोग आ जाएंगे आगे और ये लोग दे विल डिक्टेट टर्म्स, दीज बिजनेसमैन दे विल स्टार्ट डिक्टेटिंग टर्म्स एंड द फार्मर्स विल बी एट देयर मर्सी। रीजन बीइंग के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनका मेन सोल पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, फिर वो प्रॉफिट किस तरीके से कमाएंगे, दे विल स्टार्ट सेइंग कि सरदार जी आपको अगर ये चीज, ये जो आपकी उपज है इस दाम में आपको बेचनी है तो बेचो, नहीं तो लाइन में बहुत लोग खड़े हैं। तो फिर उनको उनकी जो उपज है वो MSP से भी लोअर रेट्स में शायद बेचना पड़ जाए। तो अगर ये एक लाइन इस फार्म बिल्स में ऐड कर दिया जाए तो मुझे लगता है आधी चीजें रिजॉल्व हो जाएगी। और एक बड़ी चीज, बड़ी खामी जो मुझे इस बिल में नजर आती है, आई एम अ सपोर्टर ऑफ दिस बिल इन वेरियस एस्पेक्ट्स, बट फार्मर्स का भी प्रोटेस्ट जो है वो क्यों गलत नहीं भी है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। सिर्फ इसमें एक और चीज जो आई है वो ये है कि एसेंशियल कमोडिटीज जो होती हैं, ठीक है, एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाए, उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ये एसेंशियल कमोडिटीज को होल्ड कर सकती है, इसकी जमाखोरी सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, सिर्फ गवर्नमेंट को वो हक है। क्यों इस एसेंशियल कमोडिटीज को गवर्नमेंट होल्ड करती है, इसको बफर स्टॉक बोलते हैं, ताकि अगर इमरजेंसी आ गई कुछ तो इमरजेंसी के टाइम पे हमारा देश भूखा ना रहे, उस इमरजेंसी में देश का पेट भरने जितना अनाज बफर स्टॉक गवर्नमेंट रखती है। लेकिन ये फार्म बिल्स के अंदर उस एसेंशियल कमोडिटीज को होल्ड करने का, जमा करने का अधिकार, राइट जो है वो प्राइवेट बॉडीज को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी दिया जा रहा है। इससे क्या होगा, अगर ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज को प्राइवेट इंडिविजुअल होल्ड करने लग जाए तो जो एसेंशियल कमोडिटीज है जिसकी बहुत जरूरतमंद चीजें हैं उनका जो भाव है, जमाखोरी की वजह से जानबूझ करके आर्टिफिशियल स्केयरसिटी फैलाई जा सकती है और उसके चक्कर में भाव जो है वो मार्केट में बढ़ाया जा सकता है और काला बाजारी होने की भी काफी चांसेस है, ब्लैक मार्केट में बिकेगा, ग्रे मार्केट में बिकेगा, वो भी चांसेस बहुत ज्यादा है। इससे इन्फ्लेशन हो सकता है बहुत ज्यादा, इससे महंगाई बढ़ सकती है और सीधा सीधा हमारे जेब पर असर पड़ सकता है। दीज वर फ्यू थिंग्स दैट आई वॉन्टेड टू फर्स्ट टॉक अबाउट दी बिल्स, बिकॉज ये फार्मर ये जो बिल्स है इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो अ करंट अफेयर टॉपिक। इसके ऊपर ये प्रोटेस्ट था, ये प्रोटेस्ट क्या था, अब उस पे आते हैं। इसमें फार्मर्स ने 3 घंटों के लिए चक्का जाम, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है आपको, रोड को ब्लॉक करने का ये प्रोटेस्ट था, ये फार्म यूनियंस ने किया और आज वो स्मूथली इन्होंने पीसफुली ये प्रोटेस्ट किया, इसमें कोई किसी किस्म का हिंसा नहीं हुई,
और पुलिस कर्मियों ने भी इसमें कुछ लाठीचार्ज नहीं किया। हालांकि कुछ कुछ जगहों पे कुछ लोगों को डिटेन जरूर किया गया, उनको कैद में जरूर रखा गया, काम कई छोटी 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 मोटी हिंसा की खबरें जरूर आई, लेकिन ओवरऑल ये जो फार्मर्स चक्का जाम था ये पीसफुल ही गया है। इस प्रोटेस्ट में हर किस्म के एल्डरली वुमेन यूथ सब लोग आए थे। इसमें स्लोगन्स कई तरीके के बोले गए। इसमें ना केवल पंजाब, मध्य प्रदेश, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, हर जगह चक्का जाम देखने को मिला। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंटरनेट सर्विस जो है उसको सस्पेंड भी किया गया। सिंगू, जो सिंगू बॉर्डर है वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पे गाजीपुर में, और टिकरी बॉर्डर जो दिल्ली के यहाँ पे, वहां पे शनिवार रात को इंटरनेट की पूरी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, और ये इंटरनेट सस्पेंड रहेगा आगे भी कुछ एक दो दिनों तक। ये प्रोटेस्ट जो है ये इसलिए हेल्ड किया गया क्योंकि एक संयुक्त किसान मोर्चा करके फार्मर्स यूनियन का एक जॉइंट फ्रंट है, एक यूनियन है किसानों की, उसने फार्म लॉस के अगेंस्ट ये चक्का जाम का ऐलान किया था, और उसके बाद बहुत ज्यादा संख्या में लोग उसके साथ जुड़ते गए और ये चक्का जाम 7 फरवरी को हुआ। विद दिस वी फिनिश ऑल आवर करंट अफेयर टॉपिक्स ऑफ फेब्रुवरी 7, 2021। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन। आई विल सी यू गाइस सून। टिल देन, एज आई ऑलवेज से, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। सी, वी कम टू यू विद 5 करंट अफेयर टॉपिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर डे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी टॉपिक, क्योंकि दिन में आप देखोगे तो कितनी सारी न्यूज आती है। हम तो आपको टॉप 5 लेकर के देते हैं, लेकिन आप अगर न्यूज चैनल देखो या आप अगर न्यूज पेपर पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि देश विदेश की कितनी खबरें दिन में आती है। उनमें से एक कोई भी खबर ऐसी हो सकती है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में पूछा जाए, जिसका आपको 1 मार्क या मिल सकता है उस पर। तो आप हमेशा अपडेटेड रहो और न्यूज पेपर पढ़ने की आदत जो है उसको बरकरार रखो। न्यूज चैनल्स मत देखो, आई वुड से डोंट वॉच न्यूज चैनल्स, बिकॉज उसमें एक खबर जो है वो आधा आधा घंटे तक की होती है। बट न्यूज पेपर्स, रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट एंड यू शुड ऑल रीड। ईदर यू रीड न्यूज पेपर्स लाइक अ फिजिकल न्यूज पेपर विच कम्स एट योर प्लेस, या आप ई न्यूज पेपर आजकल बहुत है, कुछ ऐसे नोटिफिकेशन, कुछ ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जिनका आप नोटिफिकेशन अगर आप सब्सक्राइब कर दो तो अगर ऐसी कोई भी बड़ी खबर आती है तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में वो एक अपडेट आ जाता है, एक फ्लैश आ जाता है। तो ऐसी कोई चीज है आप जरूर कीजिए। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो आपको मोबाइल में आप डाउनलोड कर दोगे तो आपको न्यूज देता रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।